साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज बात करते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड, क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ डिस्काउंट दी है, मान लीजिए लॉकडाउन से रिलेटेड आगे क्या अपडेट नहीं निकल के आ रहे हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं साथियों, सऊदी में कोरोना की हालात क्या हैं, अपडेट बारे में बात करेंगे। 26 अप्रैल की मैं बात करूँगा साथियों, इसमें 17,000 प्लस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं केस, जिसमें से 140 प्लस अभी तक डेथ हो चुकी हैं, उसमें से लगभग 2300 के करीब अभी तक रिकवर हो चुके हैं। डेथ रेशियो हालांकि ज़्यादा नहीं है, कुछ कुल मिला के ठीक है और गवर्नमेंट अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही है कि भी इसको कंट्रोल कर लिया जाए मई के दौरान 5-7 दिन के अंदर। ठीक है साथियों, इसी माहौल को देखते हुए आपको पता है भाई प्रॉब्लम तो सब जगह है, खाने की, रहने की, काम करने की, मेन तो काम की है। अगर काम नहीं मिलेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिलेगा तो भाई रहना, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट ने थोड़ी सहूलियत करते हुए ऑप्शन दिया है कि भाई लॉकडाउन को हटा दिया गया है, थोड़ा मतलब 95% लॉकडाउन हट चुका है। जगह की मैं बात कर रहा हूँ, 5% उन जगह पे अभी भी कर्फ्यू है जहाँ पे उनको रेड जोन में रखा गया है, थोड़े संक्रमण वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो लॉकडाउन हटाने का सर साथियों टाइम बता दूँ मैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन ओपन रहेगा। उसमें किसी भी तरह के आप अपना काम वगैरह इधर उधर जाना वगैरह वो अपना सिस्टम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जो 26 अप्रैल से लेके 13 मई तक रहेगा, 13 मई के बाद में अगर 13 मई तक ये नॉर्मल हो जाएगा तो एकदम नॉर्मल तरीके से वापस रीस्टार्ट हो जाएगा 100% जो पहले चलता था आज से 2 महीने पहले। अगर भाई इसमें इस दौरान कुछ आंकड़े बढ़े, कुछ प्रॉब्लम आई तो हो सकता है इसको बंद करके वापस कर्फ्यू लगा दिया जाए। कुछ ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं या शॉप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिससे अपने को ज़रूरी होता है, जैसे शॉपिंग मॉल मान लीजिए, किराना की दुकान या छोटे मोटे जिसमें अपन को सामान खरीदना अपनी मजबूरी है, वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। गवर्नमेंट ने आदेश दिया है आज की डेट में 26 अप्रैल को। ठीक है साथियों, ये बेस्ट न्यूज़ है। लॉकडाउन के दौरान थोड़ा बहुत अपन घूम फिरने के साथ अपना सामान राशन वगैरह ले के आना, ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है लॉकडाउन में। उम्मीद निकल के आ रही है साथियों कि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है दोबारा से सिस्टम, थोड़ा 5-7 दिन अभी पड़े हैं इसमें, कोरोना में भी रिकवरी कर लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ हद तक आपको जॉब से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत दी जाएगी जिससे आप अपना रोजी रोटी के लिए अपना सिस्टम थोड़ा बहुत मैनेज कर सको, ये बेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। आखिरी पॉइंट पे साथियों बात करेंगे भाई, देखिए आप सऊदी के बहुत सारे लोगों के मैसेज, कमेंट्स वगैरह या फिर हर कंट्री की ये हालात हैं, इंडिया आना जाना, पासपोर्ट खत्म हो गया, वीजा खत्म हो गया, हमें इंडिया आना कैसे आए। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन हो गया है, दिल्ली एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा। 3 तारीख को लॉकडाउन है, 3 तारीख तक इंडिया में लॉकडाउन है, 3 मई तक। ठीक है, कल हमारे पूरे इंडियन लेवल पे पीएम के साथ सीएमओ की मीटिंग है, उसमें क्या डिसीजन आता है लॉकडाउन से रिलेटेड। लेकिन एयरपोर्ट ओपन दिल्ली वाला तो है ही है, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ और भी एक दो चार एयरपोर्ट ओपन कर दें, क्योंकि पूरी इंडिया के लोग अगर दिल्ली उतरेंगे तो फिर उनको जाने में, ट्रेवल करने में बड़ी मुश्किल होगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए अपडेट चल रहे हैं, सोच चल रहे हैं, 1-2 दिन में फैसला कर लिया जाएगा। दिल्ली वाला एयरपोर्ट फाइनल हो गया, ओपन हो जाएगा 3 मई से पहले, यानी 5-7 दिन के अंदर। बाकी हो सकता है और बड़े बड़े कोई 1-2-3 एयरपोर्ट अगर स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। बस साथियों ये 2-4 नए अपडेट थे, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही मोटिवेशनल वीडियो यहां पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।